नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून पर सुनाया अहम फैसला। जमीन पर सरकार को कब्जा मिलने या मुआवजे के भुगतान में से एक शर्त पूरी होने पर नहीं रद्द होगा पुराना अधिग्रहण। अधिग्रहण के पुराने मामलों में किसानों का पक्ष कमजोर होने की आशंका बढ़ी। बेमौसम बारिश और ओले ने किसानों को पहुंचाई गहरी चोट। राजस्थान, पंजाब से लेकर यूपी तक गेहूं, चना, मटर जैसी फसलों को भारी नुकसान। यूपी में कांग्रेस ने उठाई किसानों को जल्द मुआवजा देने की मांग। फसल बीमा प्रीमियम को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा। फसल बीमा प्रीमियम में राज्य का 1716 करोड़ रुपए बकाया। कृषि मंत्री कटारिया ने पिछली सरकार से आ रहे बकाया प्रीमियम को बताया जिम्मेदार। मजदूर संगठन सीटू ने महिला दिवस पर जेल भरो आंदोलन का किया ऐलान। सरकार पर लगाया श्रम कानूनों को कमजोर करने का आरोप। महिला सुरक्षा, समान वेतन देने और मजबूत श्रम कानून की उठाई मांग। बुलेटिन में सबसे पहले बात भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के बेहद अहम फैसले की। 5 सदस्यीय संविधान पीठ भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 24A से जुड़े विवाद की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा है कि अगर किसी विवाद की वजह से पुराने जमीन अधिग्रहण कानून के तहत जमीन के पूरे मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है तो नए कानून के तहत जमीन अधिग्रहण की पुरानी प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। दरअसल 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रावधान है कि जमीन अधिग्रहण के वो सारे मामले खारिज हो जाएंगे जिसमें सरकार ने जमीन एक्वायर करने के फैसला लेकर उस पर कब्जा नहीं किया है या फिर 5 साल के भीतर मुआवजे का भुगतान नहीं किया है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया है। अपने फैसले में संविधान पीठ ने कहा है कि अगर 5 साल के भीतर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और मुआवजा नहीं दिया गया या फिर जमीन का मुआवजा दे दिया गया है और 5 साल में कब्जा नहीं किया गया है, इन दोनों ही सूरत में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द नहीं मानी जाएगी और किसान भी रद्द करने की मांग नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने नई व्यवस्था दी है कि अगर लोग जमीन का मुआवजा लेने से इनकार करते हैं वो इस आधार पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया खारिज करने की मांग नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत पहले से चले आ रहे केवल वही जमीन अधिग्रहण रद्द माने जाएंगे जिसमें सरकार ने 5 साल के अंदर दोनों ही शर्तें पूरी ना की हो, यानी ना तो जमीन पर कब्जा किया हो और ना ही मुआवजे का भुगतान किया हो, या फिर अधिग्रहण करने वाली अथॉरिटी ने सही प्रक्रिया का पालन ना किया हो, तब किसान जमीन रद्द करने की मांग कर सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये फैसला जो है गरीब आदमियों के और जिनकी जमीन ले ली गई है उनके खिलाफ है, और इस फैसले को अगर माना जाए तो जो नया एक्ट है फेयर कंपनसेशन एक्ट जो 1/1/2014 से लागू हुआ है उसके सारे मीनिंग ही बदल दिए गए हैं और वो सारा एक्ट ही अपने आप में रिडंडेंट और यूजलेस हो गया है। यानी कि जो किसान हैं, जो गरीब हैं, उनका उनको इस यह लाभ नहीं मिलेगा। अब किसी को भी इस बात का लाभ नहीं मिल सकता कि अगर किसी का एक्विजिशन हुआ है वो लैंड का और एक्विजिशन के बाद अवार्ड हुए हुए भी 5 साल हो गए हों मगर उनकी या तो जमीन का कब्जा नहीं लिया गया है या कंपनसेशन नहीं दिया गया है तो इस बारे में एक्विजिशन लैप्स नहीं होगा, क्योंकि अब कंडीशन बदल के कोर्ट ने ये कह दिया है कि कंपनसेशन एक और दूसरा जो है कि इनका पजेशन नहीं दिया गया है, ये दोनों को मिलाकर के पढ़ना चाहिए और अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होगी तब ये माना जाएगा कि लैप्स हो गया है एक्विजिशन। सर, आप किसानों के वकील रहे हैं और किसान के वकील हैं भी, तो क्या आप मानते हैं कि अब इसके बाद जो संवैधानिक पीठ का फैसला, इसके बाद कोई विकल्प किसानों के पास बचता है? आज के दिन किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने एक डायरेक्शन और दी है। पहले तो कंपनसेशन किसान को
या जिसकी भी जमीन एक्वायर हुई है उसको देना पड़ता था, उसको ऑफर करना पड़ता था। और आज के दिन ये हो गया है कि अगर एक्विजिशन अथॉरिटी ने पैसा ट्रेजरी में जमा कर दिया है कंपनसेशन का, तो ये माना जाएगा कि वो पैसा किसान को दे दिया गया है। जिस जमीन की सरकार को सही मायने में आवश्यकता है उसी जमीन को अधिग्रहित करे, और जैसा सेक्शन 24A के तहत कहा गया है कि जो भी किसान जिसको मुआवजा नहीं मिलेगा वह उसके निरस्तीकरण के लिए कोर्ट नहीं जा सकेगा। यह किसानों के विरुद्ध है फैसला, ऐसा हम इसका घोर विरोध करते हैं। इस फैसले के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे। इससे पहले आए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 24 से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच ने अलग अलग फैसले सुनाए थे। इसी के बाद ये मामला 5 सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा गया था। दरअसल 2014 में पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस आरएम लोधा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि अगर मुआवजे का भुगतान या जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है तो भूमि अधिग्रहण कानून 1994 के तहत चल रही जमीन माफ कीजिएगा 1894 के तहत चल रही जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। लेकिन इसके 4 साल बाद यानी 2018 में जस्टिस अरुण मिश्रा वाली 3 सदस्यीय बेंच ने न केवल इस फैसले को पलट दिया था बल्कि इस पर इनक्यूरियम यानी असावधानी पूर्वक किया गया फैसला करार दिया गया था। हालांकि इस मामले में जस्टिस मोहन शालाना गौदर ने डिसेंटिंग जजमेंट यानी असहमति का फैसला सुनाया था। और इस खबर पर हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण हमारे साथ लाइव स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे समझते हैं कि ये जो अहम फैसला है इसका आखिरकार किसानों पर क्या असर पड़ेगा। देश भर में गोपाल इस तरह के चिंगारी जैसे बोल सकते हैं, देश भर में ज़मीन अधिग्रहण कर रही है सरकार, चाहे विकास की जो ये दौड़ है उसमें एक संतुलन बिठाने की बात हमेशा से होती रही है, जगह जगह ये चिंगारी सुलग रही है। लोगों का कहना है कि जो किसान है उनकी उपजाऊ ज़मीन ली जा रही है, कि हमारी ज़मीन का हमें वो भाव नहीं मिल रहा जिसके हम हकदार हैं। जो पुराने केसेस हैं उनके तहत कई लोगों को ज़मीन का भाव मिल गया है, कईयों को नहीं भी मिला है, ऐसे भी केसेस हैं। तो अब जो ये नया फैसला आया है इससे किसानों की जो ये मांग है, जो ये विरोध के सुर हैं, क्या उन पर रोक लगाई जाएगी, उस पर रोक लग गई है, क्या हुआ है इस फैसले? देखिए, जो आज का फैसला है, जस्टिस अरुण मिश्रा जो संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, उनके फैसले से साफ है कि जो इससे पहले के जितने भी केस हैं वो इस केस के अंदर आते हैं, क्योंकि इस संवैधानिक पीठ के अंदर फैसले के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर कोई अलग से दाखिल करता है तो फिर 5 सदस्य नहीं बल्कि इससे ऊपर के जो जज होंगे यानी कि 7 या 9 जज की बेंच सुनेगी, क्योंकि इन्होंने साफ कर दिया है कि जो संवैधानिक पीठ का फैसला है उसे किसी भी अदालत में यानी कि लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो वहाँ पर किसान नहीं जा सकते हैं और यह नहीं कह सकते हैं कि मेरी जो ज़मीन है उसे गलत तरीके से सरकार ने अधिग्रहण किया है लिहाजा उस अधिग्रहण को रद्द किया जाए। अगर हाई कोर्ट सुनता भी है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं बच जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के कोई आदेश पारित। यानी आपका कह रहा है कि पहली बात तो ये कि अगर अगली सुनवाई होती है, अगर किसान इस फैसले से नाखुश हैं और वो अपील करना चाहते हैं तो जो अगली बेंच होगी वो 5 जजेस से ज्यादा वाली बेंच हो, यानी 7 या 8 या 9, और इसकी आपको पॉसिबिलिटी कितनी लगती है? जी देखिए, मेरे कानून के जानकारों से बात हुई इस मसले पर, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है, पूरे देश के किसानों की नज़र इस फैसले पर टिकी हुई थी, तो उन्होंने साफ कहा कि इस फैसले का असर सबसे ज़्यादा अगर किसी पर पड़ा है तो वो किसान पर पड़ा है। किसानों के लिए ये तरह से कहा जाए तो सबसे घाटे वाला चीज़ है। जो किसान एक उम्मीद के साथ अदालत जाते थे कि वहाँ से उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि कई बार होता है कि सरकार गलत तरीके से ज़मीन अधिग्रहित कर लेती है और मुआवजा उनको न मिल करके ट्रेजरी में जमा करा देती है, तभी मान लिया जाता था कि उन्हें मुआवजा मिल गया है। उस सिचुएशन में किसान चले जाते थे अदालत, अब वो रास्ता बंद हो गया। यहाँ तो इस वाले क्लॉज पर एक स्टैम्प लगा दी गई है कि अगर ट्रेजरी में पैसा जमा करा दिया गया है तो मान लिया जाएगा कि किसान को पैसा पहुँच गया,
इसको और जरा तफसील से समझाएं कि ऐसे में क्या होगा किसानों का। देखिए, सिर्फ ट्रेजरी में पैसा की बात नहीं है, इस फैसले में एक चीज़ और साफ कर दिया गया है कि अगर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, भले ही वो पैसा जमा न हुआ हो, तभी हम मान लिया जाएगा कि किसान को मुआवजा मिल गया है, और इस आधार पर किसान इसे चुनौती नहीं दे सकता है। किसान के पास सिर्फ एक विकल्प बचता है कि अगर प्रक्रिया अपनाते समय अथॉरिटी जो जमीन अधिग्रहित कर रही है उसे कोई गलती हो जाए या तकनीकी तौर पर गलती हो जाए, उसको आधार बना करके किसान चुनौती दे सकता है और उस चुनौती को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। लेकिन 5 जज की बेंच नहीं, 7 जज होंगे या 9 जज होंगे, तभी उस मामले की सुनवाई हो सकेगी। तो यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है कि आपने बोला अगर एक्वायरिंग अथॉरिटी से ही कोई गलती हो प्रक्रिया में, तो वो जो गलती है उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, कौन ये जवाब देगी या कौन ये तय करेगा कि गलती हुई है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और चूंकि सबसे जरूरी है कि आखिर अथॉरिटी कह सकता है कि हमने जो प्रक्रिया अपनाई है बिल्कुल सही है, किसान झूठ बोल रहे हैं, ये जमीन नहीं देना चाहते हैं, ये अपने जमीन वापस लेना चाहते हैं, ये चाहते नहीं कि जो काम है वो चले, बाधित करना चाहते, इसको आधार बना करके जो है अथॉरिटी कोर्ट आ सकता है। अथॉरिटी कह सकता है कि किसान ने गलती की, हमने अपनी प्रक्रिया अपनाई है, हमारी ये प्रक्रिया है जो इन्होंने दावा किया है वो गलत है। लेकिन किसान को यह साबित करना होगा कि आखिर जो अथॉरिटी ने प्रक्रिया अपनाई है उसमें कहाँ खामियां है, क्या इसकी तकनीकी गलतियां हुई है उसे, जो इसके हक में जाता है, किसान के हक में जाता है। और यहाँ पर हम सुनते हैं हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और खुद मनरेगा मजदूर जो कि पहले सरपंच भी रही हैं अजमेर में, उनकी प्रतिक्रिया है ये जो फैसला है, आइए सुनते हैं। उपजाऊ ज़मीन तो डेफिनेटली कोई बेचना नहीं चाहता, आप चाहे कोई भी, ये जैसे ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हो गया या उधर नियमगिरी का हो गया केस, ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन से काफ़ी जुड़ा हुआ है कि अगर आप खेती का मार्केट पूरा क्रैश कर दें जैसा कि है, आप किसान को ढंग से दाम ना दें, MSP हम कितना सुनते हैं, अगर वो नहीं दें तो फिर ऑफकोर्स वो फिर बेच देंगे आप पर, वो उसे खुशी से बेचना या विकास के लिए बेचना शायद मुझे नहीं लगता करेंगे, वो तो फिर एक मजबूरी है क्योंकि उन्हें जीवन तो चलाना है। जब आज मेरे पग तला आंगना नहीं होगी तो मैं कहाँ पर खड़ी रहूँगा? सबसे पहले तो धरती माता है, माँ है, माँ 9 महीना पेट में रखा है बच्चा बच्ची ने, वो भी माँ की थोड़ी राख है कि भाई मेरी माँ बूढ़ी हो जा ली तो मैं इन्हें अच्छी सेवा करूँ, अच्छी रोटी देऊँ, अच्छी देख रेख करूँ, तो आ धरती भी मारी माँ है, किसाना की माँ है, मजदूरा की माँ है, ये माँ ने कोई नहीं बेच बोछा है, ये तो इन्हें लालच देवे अरबी की बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलावा का खातर ऐसा काम करते। तो आपने सुना गोपाल, ये बताइए कि देश भर में जैसे जेवर एयरपोर्ट के टाइम पर भी किसानों ने बहुत हंगामा किया, उनका कहना था कि हमें ठीक से जो हमारा हक है, बहुत पहले ज़मीन ली गई, मगर अब जो अलग अलग फेजेस में ज़मीन एक्वायर की जा रही है और जो अभी का जो मार्केट रेट है हमें वो मिलना चाहिए, चाहे जेवर एयरपोर्ट की बात हो या फिर जयपुर डिवेलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ हम देख रहे हैं जिस तरह के विजुअल्स चल रहे हैं कि किसान जो हैं ज़मीन में धस कर अपना सत्याग्रह कर रहे हैं, जमीन सत्याग्रह सामने है। तो ऐसे में अब किसानों के पास आपने जिस तरह से क्लियर किया कि विकल्प नहीं है, और हमारे पास ऐसे और भी केसेस हैं जैसे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, आधे मामलों में पुराने रेट से उनको पेमेंट हो गई और आधों का मामला अभी भी चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है। अब ऐसे में किस तरह का विकल्प, क्या होगा ऐसे केसेस में जिनकी अभी तक हियरिंग भी नहीं हुई है? जी एक गांव है मेरठ के पास का, उस गांव के जो किसान हैं उनकी लगभग सभी जो जमीन है उसे सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, जो कुछ किसानों को पहले के हिसाब से मुआवजा दे दिया गया, लेकिन जो बाकी किसान थे जो उस समय मुआवजा नहीं लिए थे, जब उन्होंने दबाव बनाया सरकार पर तो नए रेट के हिसाब से, यानी कि जो वर्तमान में जो मार्केट दर है उस हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया गया। तो जो पुराने किसान हैं वो इसको आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में इसे उन्होंने चुनौती दी, कहा कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें भी नए दर से मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हमारा जमीन वापस किया जाए। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जो इस संवैधानिक पीठ का फैसला है क्या उस पर भी ये लागू होता है, या इससे हट करके सुप्रीम कोर्ट इस मामले को तय करेगा?
तो ये तमाम ये एक बहुत ही बड़ा सवाल जिसका उत्तर फिलहाल अभी नहीं है, आगे आगे समझ में आएगा कि इस जो ये फैसला है उसकी किस तरह की प्रतिक्रिया देशभर से आती है और किस तरह के रिजल्ट्स सामने आते हैं। और फिलहाल उस पर आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओलों ने भारी तबाही मचाई है। खेतों में खड़ी धान और मटर जैसी फसलें तबाह हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश के चलते गेहूं की फसल गिर गई है। शाहजहाँपुर ज़िले में भारी बारिश से गेहूं की फसल खराब हो गई है। किसान राज्य की आदित्यनाथ सरकार से फसल नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बहुत दिन से ओरो गिर रहा है और पानी बरसत है अब, और राई गेहूँ को बहुत नुकसान हुआ। लोग कोई सुनवाई ना आई आज तक, करीब हम लोगों को लाखों रुपया का नुकसान है, कोई सुनवाई ना आई था। एक हफ्ते से बारिश हो रही है, गेहूँ में काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से हम लोगों को मिलने रात में ओले भी गिरे थे। लगभग लाखों का नुकसान हो चुका है, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसको कोई मदद नहीं। इस बीच कांग्रेस ने बेमौसम बारिश और ओले गिरने से नुकसान उठाने वाले किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इसके लिए फसल नुकसान का जल्द से जल्द सर्वे कराए जाने की मांग की है। आज किसान दुखी है, हताश है और निराश है, और रोज किसान आत्महत्या करने पर विवश है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो किसानों का फसल कल बेमौसम होने के नाते, ओलावृष्टि के नाते बर्बाद हुआ है, उन फसलों का मुआवजा अविलंब देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यूपी ही नहीं, पंजाब में भी रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बरनाला के किसानों का कहना है कि फसल पक कर तैयार है, ऐसे में बारिश से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा के रोहतक ज़िले में भी बारिश और ओले से गेहूं, सरसों के साथ साथ बागवानी को भी भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी से पेड़ों से कच्चे फल टूटकर गिर गए। राजस्थान विधानसभा में फसल बीमा योजना के प्रीमियम भुगतान को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दल बीजेपी ने फसल बीमा योजना के प्रीमियम में राज्य के बकाया हिस्से के भुगतान का सवाल उठाया। इसके जवाब में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बीमा कंपनियों को लगभग 1136 करोड़ का प्रीमियम नहीं दिया था, जिसे इस सरकार को चुकाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अभी जो प्रीमियम बकाया है उसका भुगतान करने के लिए 2020-21 के बजट में 1041 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा कृषक कल्याण कोष से भी 500 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया है। इससे प्रीमियम की सारी देनदारियां जल्द चुकाई जा सकेंगी। हालांकि उनके इस जवाब के बाद विपक्ष ने ये कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि सरकार समय पर प्रीमियम जमा करने की तारीख बताए। इस पर कृषि मंत्री लालचंद्र कटारिया ने कहा कि कट ऑफ डेट का कोई नियम नहीं है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी किसानों को फसल बीमा योजना के तहत पूरा का पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा। आप ये बताइए, मेरे पास कागज है, उसी क्वेश्चन का उत्तर है। 1135 करोड़ 83 लाख रुपए उसका भुगतान हमने पिछली सरकार से का किया है, जो ये किसानों का खुद बकाया छोड़ के गए। तो 1135 करोड़ 83 लाख का जो भुगतान हमने किया, उसके बाद में लगातार आज दिन तक कोई भी जिला ऐसा नहीं, चाहे टिड्डी दल का मामला हो, चाहे अतिवृष्टि का मामला हो, आज ओलावृष्टि हो गई, हम लगातार जितने भी कलेक्टर हैं उनको निर्देश दे रखे हैं, हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी सब लगे हुए हैं। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खेती किसानी से जुड़ी कुछ और अहम खबरें, आप देखते रहिए किसान बुलेटिन। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072।
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acres ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किसान बुलेट। हरियाणा में कृषि विभाग ने किसानों को जागरूक करने के लिए 4 महीने में 40 लाख रुपए खर्च कर डाले। इस बात का खुलासा हुआ है एक आरटीआई से। जिन जिले में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट सूरजमल नैन ने ये जानकारी मांगी थी कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान पर कितना पैसा खर्च हुआ। इसके जवाब में सरकार ने बताया कि साल 2018 में जुलाई से अक्टूबर के बीच यानी 4 महीनों में कृषि विभाग ने 300 गांवों में दो दो बार कैंप्स लगाए। इस दौरान टेंट, कुर्सी, लड्डू, गुलाब जामुन और समोसों पर कुल 40 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट सूरजमल ने कृषि विभाग पर एक किसान पर खर्च किए गए 57 रुपए को बिल में 120 रुपए दिखाए जाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत गृह मंत्री से भी की है। वहीं कृषि विभाग इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। किसान को जागरूक करने के लिए पैसा आया था, न कि उनके अधिकारियों को जेब बजाने के लिए आया था। ये सरकार का तो सब कुछ सही है, लेकिन ये किसान के साथ भी एक बड़ा भारी धोखा है, क्योंकि किसान को ऊपर जब कोई किसान छोटा बहुत कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसको ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन ये अधिकारी इस पैसे को सारे को डकार के। इस टाइप के जो आरोप हैं वो निराधार हैं और ऑडिट जो भी है हम आगे भी अच्छा करते रहेंगे। फार्मर्स के लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज़ लेके आएंगे, अच्छी इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। इस टाइप के जो भी आगे जो लगाए हैं सूर्यमल जी ने, वो निराधार हैं सारे के सारे। दिल्ली के जंतर मंतर पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी सीटू ने कामकाजी महिलाओं के अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया। आखिर क्या है इसकी वजह? श्रमिक संगठन सीटू की सदस्य सुनीता से बात की हमारे संवाददाता शशांक पाठक ने। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर तमाम मंचों से, तमाम संस्थानों से महिलाओं की तमाम कहानियां कही जाती हैं, तमाम उनके जो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं वो बताई जाती हैं। लेकिन सीटू की तरफ से यहां पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जिसमें महिलाएं तमाम अपनी मांगों को लेकर आई हैं। क्या मांगे हैं, क्या आप लोग सरकार से चाहती हैं? देखिए, आज पूरे देश के अंदर, क्योंकि 8 मार्च तो संडे है और हम कामगार महिलाएं और हमारे मांगों को सरकार तक ले जाने के लिए आज के दिन चुना है। और ये आज के दिन में पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पे, जो जिलों पे, जो सैकड़ों हजारों महिलाएं जेल भरों का कोल दिया है। सबसे बड़ा ये श्रम का जो लूट है, समान वेतन और जो बिना दिए वेतन दिए हुए महिलाओं का जो श्रम हो रहा है उसका गिनती किया जाए पहले और उनका समान अधिकार और वेतन दिया जाए, जैसे स्कीम वर्कर्स है। ये एक मांग है। और सबसे बड़ी एक अहम मुद्दा है कि महिला की सुरक्षा का, ना वो काम के स्थल पे सुरक्षा है, ना समाज के अंदर है, ना घर के अंदर में भी वो सुरक्षा नहीं है। श्रम कानूनों की मांग हो या महिला किसानों की जो लगातार मांग रही है कि किसानों का दर्जा उन्हें दिया जाए, या फिर समान वेतन की जो आप लोग बात करती रही है, ये नई मांग नहीं है, कई सालों से लगातार ये मांग की जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सरकारें होती हैं वो सिर्फ किसी मौके पर, जैसे महिला दिवस के मौके पर, जैसे अभी पीएम मोदी ने किया कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है महिलाओं को सौंप देंगे एक दिन के लिए, तो क्या लगता है कि ज़मीन पर जो किया जाना है वो ज़मीन पर पहले तो किया नहीं गया और अब जो करने की बात आप लोग लगातार कहती रही हैं उसकी बजाय अब सोशल मीडिया पर स्टंट के तौर पर सरकारें काम कर रही हैं? आपने बिल्कुल सही बोला है और इसीलिए हमने ये आंदोलन का रूप इसलिए चुना है। हमेशा रैलियाँ होते हैं, ये मांग तो हमेशा उठाते जा रहे हैं, ये तो अभी नहीं है, ये तो 100 साल पुराना है। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास भी देखिए कि ये जो है 8 घंटे का काम और जो है ये न्यूनतम वेतन या सुविधाओं का और जो है वोटिंग राइट्स के लिए किया गया, वही मांग आज भी रह गया है। ये तो अजूब की बात है, इतने साल के बाद में भी और उल्टा जा रहे हैं। और ये 8 घंटे का काम का और न्यूनतम वेतन का कानून इसने खत्म कर दिया है वेज कोड बिल लेके। अगले साल तक हमारे ये उम्मीद है कि सारी महिला आंदोलन और सारे मजदूर आंदोलन मिलके उसी दिन में ऐसा मनाए कि पूरे देश की सारी महिलाओं अपने मांग को लेके सड़क में आए।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो इतिहास है उस इतिहास को दोहराने की कोशिश यहाँ से की जा रही है, जो तमाम महिला श्रमिकों की मांग है, कामगारों की मांग है या महिला किसानों की जो लगातार मांग रही है, उसके लिए एक प्रोटेस्ट और एक जेल भरो आंदोलन की बात यहाँ पर कही जा रही है। और कम से कम ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सिर्फ एक दिन के तौर पर ना मनाया जाए, सरकारें इस पर ध्यान दें, सोशल मीडिया स्टंट की बजाय ज़मीन पर जो इन महिलाओं को देने की ज़रूरत है, जो उन्हें सुरक्षा या वेतन देने की ज़रूरत है, वो पुख्ता तौर पर लागू किया जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन श्याम सुंदर के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। खेती में 70% काम करने वाली महिलाओं को अब तक किसान का दर्जा नहीं मिल पाया है, इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, पति की खुदकुशी करने के बाद उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिल पाती है। महिला दिवस पर महिला किसानों के लिए काम करने वाली महिलाएं एक्टिविस्ट, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी थोड़ा सा बढ़ाई जाए, उनके लिए कोटा सिस्टम कुछ ज़्यादा क्रिएट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामीण बैंक है, वहाँ पे ग्रामीण महिलाओं या महिलाओं का एटलीस्ट रिजर्वेशन थोड़ा ज़्यादा रहे, ताकि ग्रामीण औरतों को काम ज़्यादा मिले, रोज़गार ज़्यादा मिले। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मनरेगा में, उसमें कुछ उनका शेयर, कुछ कोटा सिस्टम हो, जैसे या हम कह सकते हैं पंचायतों में ही सही, पंचायतों में उसका रिजर्वेशन थोड़ा ज़्यादा करें, ताकि ज़्यादा महिलाएँ थोड़ा घर से बाहर निकलेंगी, उनको थोड़ी अवेयरनेस होगी। जब एक महिला को अवेयरनेस एक फील्ड में होती है तो बहुत अवेयर होती है, तो उससे उसके घर के 10 लोग और ज्यादा अवेयर होते हैं। बराबर मजदूरी, एक डिग्निटी के साथ वाली मजदूरी, आई थिंक यही सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्लेम कर पाएँ एज वुमेन, प्रॉपर्टी में हो, चाहे स्कूलों में हो, चाहे अस्पतालों में हो, नौकरियों में हो, आई थिंक वही एक सबसे बड़ी चुनौती भी है और उसी की तरफ काम भी होना चाहिए। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।